How to fix OnePlus 7 not showing name in call log problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus के डिवाइस में not showing name in call log problem सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, आपने नेम सेव किया हुआ है फिर भी आपके कॉल लॉग पे नेम शो नहीं हो रहा है, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जो भी सॉल्यूशन है उसको फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर दोस्तों आपके जो कॉल लॉक है उसमें जो है नेम शो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले फ़ोन को रिस्टार्ट करके देखिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों जाइए अपने OnePlus के डिवाइस के प्ले स्टोर में फ़ोन सर्विस को सर्च कीजिए। ठीक है, फ़ोन सर्विस सर्च करने के बाद इस ऐप को अपडेट कीजिए, अपडेट करने के बाद आपको बैक करना है, बैक करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट टाइप करना है। ठीक है, तो आपको कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे अपडेट करना है, तो दोनों को अपडेट करें, उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करके चेक करके देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो जाइए सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन कीजिए, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, ऐप एंड नोटिफिकेशन पे जाना है, सी ऑल ऐप्स पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे आपको स्टोरेज एंड कैश पर क्लिक करना है, क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करके ओके कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आपको परमिशन पे जाना है, परमिशन पे जाने के बाद दोस्तों ये दोनों ऑप्शन इनेबल करना है और उसके बाद बैक करना है। अभी आपको सर्च करना है फ़ोन सर्विस, फ़ोन सर्विस में जाइए, स्टोरेज एंड कैश पर जाके इसको भी क्लियर कर दीजिए, क्लियर डाटा ओके, और उसके बाद बैक करना है, परमिशन पे जाना है, सारे परमिशन अलाउ करने के बाद बैक करना है और मोबाइल को रिस्टार्ट कर देना है, उसके बाद जाके देखिए आपको नेम शो हो जाएगा और प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, तो आपको जाना है अपने कॉन्टैक्ट्स पर, उसके बाद यहाँ पे जो प्रोफाइल है राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल आइकन, उसमें क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट फ्रॉम ऑल अकाउंट कर देना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फ्रॉम ऑल अकाउंट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट फ्रॉम ऑल अकाउंट, और उसके बाद उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको मिलेगा इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे, और सारे कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो अगर दोस्तों आपके जो कॉल लॉक है उसमें नेम शो नहीं होता है, तो आप सिंपली इस सॉल्यूशन को फॉलो अप कर सकते हैं, इसके मदद से आप अपने प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। इसके रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, और साथ ही साथ दोस्तों आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कीजिए। ठीक है, और व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट जो है वो भी आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।